अगर शाम को आपको बहुत ही जल्दी भूख लग जाती है और आप कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी को ट्राई करो। यहाँ पे एक कप पोहा लिया है मैंने, इसे हम अच्छे से वॉश करेंगे जिससे ये डस्ट निकल आएंगे। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए फूलने रख देते हैं। तब तक चलते हैं, 3 उबले हुए आलू ले लेंगे और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। इसे करना बेहद आसान लगेगी आपको, आप इसे मैशर्स भी मैश कर सकते हैं जिससे बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे। यहाँ पे पोहा भी फूल चुकी है तो हम इसे एक अदर बोल में लेंगे और इसे हम अच्छे से मसल के डो की तरह बना लेंगे। इसके बाद कद्दूकस किया हुआ आलू डाल लेते हैं। इसी के साथ चलिए कुछ मसाले भी ऐड करते हैं। यहाँ पे चुटकी भर या फिर अपने हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला और यहाँ पे हम पास्ता सीजनिंग डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे। इसी के साथ चॉप्ड किया हुआ कुछ टमाटर डालेंगे, तो बीज को मैंने निकाल लिया है, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया, और बस इसे हम अच्छे से एकदम डो की तरह बना लेंगे। देखिए, और यहाँ पे मैंने आइसक्रीम स्टिक लिया है और इसे हम थोड़ा सा नया शेप देने वाले हैं जिससे ये रेसिपी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बना लें इसे। आप चाहें तो टिक्की की तरह भी शेप दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है एकदम शैलो फ्राई करने के लिए, और दोनों तरफ से इसे पलट के बहुत सावधानी से फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, इंटरेस्टिंग और इंस्टेंट रेसिपी तैयार है हमारी पोहा से बनी हुई, जिससे ये कम ऑयली है और काफ़ी टेस्टी लगेगी। ट्राई करें मेरी रेसिपी को और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।